जेल जाने से बचने के लिए कांग्रेसियों ने अब न्यायपालिका से लेकर ईमानदार अधिकारियों तक को परेशान करना शुरू कर दिया है। कुछ ही वक्त पहले मनमर्जी के फैसले न सुना रहे सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग लाने की कोशिश की थी, जिसे मोदी सरकार ने विफल कर दिया था। अब चिदंबरम को जेल जाने से बचाने के लिए ईडी के ही एक ईमानदारी अधिकारी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह एयरसेल-मैक्सिस मामले की जांच कर रहे हैं, जिसमें पी चिदंबरम और उसके बेटे कार्ती का जेल जाना तय है। बताया जा रहा है कि ईडी को इन दोनों चोर बाप बेटे के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल चुके हैं। चिदंबरम यदि जेल चला गया तो कांग्रेसियों के कई राज खुलेंगे और माँ बेटा भी जेल पहुँचेंगे। यही कारण है कि कांग्रेस ने जांच को पटरी से उतारने की पूरी कोशिशें की हुई हैं। इसके बावजूद जब ईडी अधिकारी ने कांग्रेस के दबाव के आगे झुकने से मना कर दिया तो उसने अपने पुराने माफिया स्टाइल में ईमानदार ईडी अधिकारी पर झूठे केस बनाने शुरू कर दिए। ठीक वैसे ही जैसे साध्वी प्रज्ञा, असीम आनंद, कर्नल पुरोहित को झूठे केस में फंसा कर जेल में डलवा दिया था। बताया जा रहा है कि एक साजिश के तहत खुद के खोजी पत्रकार होने का दावा करने वाले रजनीश कपूर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि राजेश्वर सिंह ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है और इसकी जांच की जानी चाहिए। वहीं ईडी अधिकारी राजेश्वर सिंह ने कपूर के खिलाफ फलक से अवमानना याचिका भी दायर की है और इसमें दावा किया है कि एयरसेल-मैक्सिस सौदे मामले की जांच को पटरी से उतारने और इसमें देर करने के प्रयास के तहत उन पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। एयरसेल-मैक्सिस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुब्रमण्यम स्वामी और ईडी अफसर राजेश्वर सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। गौरतलब है कि एयरसेल-मैक्सिस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुब्रमण्यम स्वामी और ईडी अफसर राजेश्वर सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने में जांच पूरी करने के आदेश दिए थे, लेकिन कुछ लोग जांच अफसरों के खिलाफ फाइल से अधिक संपत्ति के झूठे आरोप लगाकर जांच को रोक रहे हैं। इस मामले में पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ती चिदंबरम पर भ्रष्टाचार व घुसखोरी के आरोप हैं। 5 जून को जस्टिस एके गोयल और अशोक भूषण ने राजेश्वर सिंह के खिलाफ रजनीश कपूर द्वारा दायर याचिका में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह की सहायता मांगी थी। राजेश्वर सिंह ने याचिकाकर्ता के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। ईडी अधिकारी के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में चार्जशीट दायर की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि आय से अधिक संपत्ति के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले ही मंजूरी दे दी गई थी और वे याचिकाकर्ता के खिलाफ अवमानना कार्यवाही चाहते हैं। दरअसल एयरसेल-मैक्सिस मामले 2006 में एयरसेल में निवेश के लिए ग्लोबल कम्युनिकेशन होल्डिंग सर्विसेज लिमिटेड को विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा मंजूरी देने के लिए संबंधित है। पी चिदम्बरम उस वक्त वित्त मंत्री थे और उनके बेटे कार्ती चिदम्बरम पर मंजूरी के बदले में रिश्वत का आरोप है। अदालत ने पी चिदंबरम को 10 जुलाई तक मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है। अधिकारी राजेश्वर सिंह एयरसेल-मैक्सिस मामले की जांच कर रहे हैं। यही कारण है कि कांग्रेस का पूरा तंत्र चिदंबरम को बचाने की कोशिशों में लग गया है। पुख्ता सबूतों के कारण चिदंबरम का बचना तो नामुमकिन बताया जा रहा है, मगर फिर भी कांग्रेस तिलमिलाहट में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। चिदंबरम के जेल जाते ही गांधी परिवार समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को भी जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि चिदंबरम का ऐसे राज जानता है जो डंडों के आगे वो उगल देगा। दोस्तों, आपको हमारे दोबारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो, यह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।